इसी तरह से अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना भी शिर्क है। अब कितने मुसलमान हैं जो लड़ते लड़ते माँ कसम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते बच्चे की कसम, बच्चे के सर पे हाथ रख के बोलता हूँ मैं, मैंने चोरी नहीं किया। तो कितने मुसलमान हैं कसम खाते, ये शिर्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हलफ मिनकुम फकाल फी हलफीही, जो तुम में से कसम खाए और अपनी कसम में वकाल फी हलफीही बिल्लात वल उज्जा फलयकुल ला इलाहा इल्लल्लाह। सहाबा पहले लात उज्जा को मानते थे, अब जब वहाँ से यहाँ आए इस्लाम में आए तो कभी कभी बेख्तियार ज़बान से निकल जाता था लात और उज्जा की कसम, तो अब क्या वो मुशरिक हो जाते थे? नहीं। लेकिन ये क्या शिर्क था कि नहीं था? ये शिर्क था, लेकिन अनजाने में इस तरह से ज़बान से निकल जाता था, तो उस ज़माने में ऐसा होता था। तो आपने फरमाया तुम में से जो कसम खाए और उसकी ज़बान से निकल जाए लात और उज्जा की कसम, तो फौरन वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। वो क्या कहे? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये शिर्क है कि नहीं है? ऐसा हो सकता है, अनजाने में किसी मुसलमान की ज़बान से किसी और की कसम निकल सकती है, ये शिर्क है या नहीं? इसको इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। आप फरमाते हैं कुल्लु यमीनिन युहलफु बिहा दून अल्लाह शिर्कुन, हर वो कसम हर वो हल्फ जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से लिया जाए वो शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कसम कोई खाता है तो क्या है? शिर्क है। तो क्या मुसलमान आज कसम नहीं खाते अल्लाह के सिवा किसी और की? खाते हैं। तो क्या शिर्क नहीं है? उम्मत बाद में शिर्क में पड़ सकती है, हाँ सब लोग नहीं पढ़ेंगे, टोटल के टोटल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग हमेशा शिर्क में मुब्तिला होंगे। इस हदीस को इमाम हाकिम ने रिवायत किया और ये सही हदीस है। इसी तरह से तिर्मिज़ी की रिवायत में आपने फरमाया मन हलफ बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम का हल्फ लिया, किसी और के नाम की कसम खाई, उसने क्या किया? उसने शिर्क किया।